बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो पुलिस के हाथों में चूड़ी पहन रखने की बात कही है वो बेहद ही अपमानजनक है महिलाओं के लिए। ये बीजेपी के मनुवादी सोच को दिखाती है। उनकी नज़र में हर चूड़ी पहनने वाली जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, वो कमज़ोर है। तो ये इनके मनुवादी सोच को दिखाता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीते दिन जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि पुलिस को फ्री हैंड करें, उन्हें चूड़ियां ना पहनाएं, अब इसको लेकर बिहार में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि लगातार नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल ने कही सम्राट चौधरी को खास करके कि बीजेपी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, बीजेपी पुलिसिया कानून की बात करती है, उसके मुँह से यह शोभा नहीं देता है। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर ये लोग धजिया उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग और ये लोग औरतों को कमज़ोर समझते हैं। क्या जो चूड़ी पहनने वाली औरतें हैं वह कमज़ोर हैं? पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल का। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो पुलिस के हाथों में चूड़ी पहन रखने की बात कही है वो बेहद ही अपमानजनक है महिलाओं के लिए। ये बीजेपी के मनुवादी सोच को दिखाती है। उनकी नज़र में हर चूड़ी पहनने वाली जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, वो कमज़ोर है। तो उन्हें ये इनके मनुवादी सोच को दिखाता है। और जहां तक उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, यानी कि कानून का शासन, तो ये बात तो बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये संविधान विरोधी लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनके जो गृह मंत्री हैं वो आकर के कहते हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये कौन सी IPC की धारा में लिखी है? संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है और उसके बाद IPC और CRPC की धाराएं हैं, जिसमें कि जिस जो गुनाह है उस गुनाह के आधार पर सजा का प्रावधान है। लेकिन ये एक अलग ही कानून लाना चाहते हैं, ये रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, ये कानून के राज की बात नहीं करते, ये शासन का राज की बात करते हैं, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिला है UP में। शासन का राज, कानून का राज नहीं, ये शासन का राज लाना चाहते हैं। ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, रूल ऑफ लॉ से ऊपर मानते हैं। तो उनका जो ये बयान है कि चूड़ी पहनने वाला, वो बेहद ही शर्मनाक है। और रूल ऑफ लॉ की बातें कम से कम BJP के मुंह से अच्छी नहीं लगती, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, जो IPC और CRPC की धाराओं को नहीं मानते हैं, जो अपना ही शासन, अपना ही कानून, जो कंगारू कोर्ट अपने आप को समझते हैं, ये बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों विपक्ष सरकार पर हमलावर है, कई घटनाएं ऐसी घट रही है जो चौंका देने वाली है बिहार में। इसको लेकर लगातार सरकार और पुलिस कानून सवाल के घेरे में है। अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से चूड़ी पहनाने वाले मामले को लेकर बिहार की सियासत में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, यह राजनीति किस हद तक होती है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।